आजीविका उत्पादों के विपणन के लिए पोर्टल पर उत्पादों की जानकारी दर्ज की गई है, जिसकी सहायता से समूहों के उत्पाद सीधे वृहद वैश्विक बाजारों से जुड़ गए हैं। मध्य प्रदेश देश का पहला प्रदेश है जहां सरकार द्वारा पोषण आहार संयंत्र का संचालन समूह के परिसंघों को सौंपा गया है। सरकार के इस प्रयास से समूह सदस्यों को वृहद औद्योगिक इकाइयों के संचालन और प्रबंधन का अनुभव भी मिल रहा है। आज ग्रामीण महिलाएं कम पढ़ी लिखी होकर भी शहरी महिलाओं की तुलना में बैंकिंग का काम ज्यादा आत्मविश्वास से करती हैं और समूह से जुड़ी बैंक सखियां चलता फिरता बैंक बन जाती हैं। सूत्रों और नियमों में बंधी ये दीदियां सिर्फ ऋण लेना ही नहीं चुकाना भी जानती हैं। ये उन प्रशिक्षणों की बदौलत हुआ है जो इन्हें लगातार मिले हैं। आजीविका उत्पादन विक्रय सह प्रदर्शन केंद्र नाबार्ड के सहयोग से खोले गए हैं। प्रदेश की सबसे प्रमुख कार्यालय वल्लभ भवन सहित प्रदेश में 127 दीदी कैफे समूह सदस्यों द्वारा संचालित किए जा रहे हैं। गौशालाओं के संचालन के साथ स्कूल शिक्षा विभाग के साथ गणवेश निर्माण आदि काम बड़े पैमाने पर किया जा रहा है। समूह के माध्यम से उन्हें एक नई पहचान मिली है। महिलाएं आज अपनी पहचान रिश्तों से नहीं बल्कि समूह में अपने पदों से बताती हैं। हमारा नाम है निर्मला, जीविका स्वयं सहायता जय गुरुदेव की मैं अध्यक्ष हूं और ग्राम संगठन में मैं सहसचिव हूं। ग्रामीण क्षेत्रों में राजनीति में महिलाओं की हिस्सेदारी भी निरंतर बढ़ती जा रही है। वर्ष 2022 के पंचायत चुनाव में लगभग 17,000 महिलाएं विभिन्न पदों पर निर्वाचित हुई हैं। संकल्प से सिद्धि तक, गरीबी से समृद्धि तक, असीम संभावनाओं की भावना ग्रामीण जनों के जनमानस में कहीं गहरे उतरने लगी है। सरकार की कोशिश है प्रदेश की बहनें हमारी आधी आबादी की मुस्कान, ये खिलखिलाहट दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ती जाए और दुनिया में मिसाल बन जाए। जोरदार तालियों से हमारी दीदियों का अभिनंदन। माननीय मंत्री पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग से स्वागत उद्बोधन हेतु माननीय राज्य मंत्री पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग से स्वागत उद्बोधन का अनुरोध है। भारत माता की। मध्य प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन पंचायत एवं ग्रामीण विकास द्वारा आयोजित संकुल संगठनों के पदाधिकारियों के परिचर्चा में आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मध्य प्रदेश को बीमारू राज्य से विकसित राज्य बनाने वाले, मध्य प्रदेश को आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बनाने की ओर अग्रसर मध्य प्रदेश के शिल्पकार, हम सबके मार्गदर्शक, हम सबके नेता, आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय शिवराज जी का मैं अपनी ओर से पंचायत ग्रामीण विकास की ओर से स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। हमारे कैबिनेट मंत्री आदरणीय महेंद्र सिंह सिसोदिया जी, एसीएस साहब, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जी, माननीय विधायक जालम सिंह जी, धर्मेंद्र सिंह लोधी जी, उपस्थित सभी हमारी प्यारी प्यारी बहनों, हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने 2012 में ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाली निर्धन बहनों के लिए। चलिए सीधे भोपाल ही चलते हैं जहां मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कुछ कह रहे हैं, आपको सुनाते हैं। पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग के मंत्री आदरणीय श्री महेंद्र सिंह सिसोदिया जी, हमारे राज्य मंत्री भाई राम खिलावन पटेल जी, हमारे एसीएस, हमारे सीईओ, सभी नीचे हमारे बैठे हैं, हमारे वरिष्ठ साथी विधायक भाई जालम सिंह पटेल जी, धर्मेंद्र लोधी जी, कोक सिंह जी, बीच में रामपाल सिंह जी भी दिखे थे मुझे, ऐसे हमारे सभी अतिथिगण और मेरी लाडली बहनों, आप सबको दोनों हाथ जोड़ के राम राम, आप सबको प्रणाम नमस्कार, भैया के घर बहनों का स्वागत। यहाँ आगे कैसा लग रहा है? अरे जोर से बताओ ना, अच्छा लग रहा है?
देखो बहनों को हमेशा भैया के घर जाने में तो अच्छा ही लगता है, मायके की याद तो आती ही है, इसलिए मैं एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। इन बहनों आज बड़ा दिन है, आज महात्मा ज्योतिबा फुले उनका जन्मदिन है, और मैं आज आपको संक्षेप में बताना चाहूंगा। महात्मा ज्योतिबा फुले समाज सेवी थे, समाज सुधारक थे, और सबसे ज्यादा अगर काम उन्होंने किया था तो बहनों के लिए किया था, महिलाओं के लिए किया था, पिछड़ों के लिए किया था, दलितों के लिए किया था। मेरी बहनों, मैं भी जानता हूं, मैंने बचपन में देखा कि बेटा और बेटी दोनों है तो पढ़ाएंगे किसको, तो घर में कहते थे गांव में तो, अरे क्या लगे बेटी क्या करेगी, शादी होगी ससुराल चली जाएगी, कंडा थोपने दो और रोटी बनाने दो, ये सीखी तो ही काम आएगा, पढ़ पढ़ के क्या करेगी। तो ज्यादातर ये होता था पुराने जमाने में तो बहनों को पढ़ने नहीं दिया जाता था बेटियों को, लेकिन ज्योतिबा फुले ऐसे समाज सुधारक थे जिन्होंने तय किया कि महिलाओं की शिक्षा जरूरी है और मैं उनको शिक्षा देने के लिए काम करूंगा। एक जमाने में बहुत विरोध हुआ, और ये क्या कर रहा है, औरतों को पढ़ाएंगे, अगर पढ़ेगी तो घर का काम कौन करेगा। लेकिन ज्योतिबा फुले नहीं माने, सबसे पहले उन्होंने अपनी पत्नी को पढ़ाया, और पत्नी को पढ़ाने के बाद सावित्रीबाई फुले शिक्षित हो गई, तो उन्होंने दोनों ने घूम घूम के समाज के सुधार का काम भी किया और स्कूल शुरू किया, विशेषकर महिलाओं की शिक्षा के लिए स्कूल चालू किया। बहुत विरोध हुआ उनका, लेकिन वो नहीं माने। अब उन्होंने कुछ विचार कहे आज उनकी जयंती पे, मैं अपनी बहनों से उन विचारों को साझा करना चाहूंगा, ये आपके जीवन में भी बहुत काम आएंगे। उन्होंने कहा आप स्वयं पर विश्वास करें। अभी हमारी बहनें बोल रही थी, मीना, सीमा, रजनी, रेणु, जब ये बोल रही थी तो ये अकेली नहीं बोल रही थी, इनका आत्मविश्वास बोल रहा था, जैसे वो कह रही हो कि दुनिया में हर काम हम कर सकते हैं। और यहां मेरी जितनी दीदियां बैठी हुई हैं, हमारे संकुल स्तरीय संगठन की अध्यक्ष, ये अकेली नहीं है, ये हजारों बहनों का नेतृत्व करती है। इनके समूह में किसी के 4,000 बहनें जुड़ी है, किसी के समूह में 3,000 बहनें जुड़ी है, और आज ये बहनें ये सिद्ध कर रही हैं कि उन्हें अपने आप पर विश्वास है और वो दूसरों से बेहतर काम कर सकती हैं। बोलो सही है कि नहीं? सही है। कहां ऐसे बोलते थे बताओ, पर्दों में से नहीं निकलते थे। आज वो दीदी हमारी फर्राटेदार भाषण दे रही है, समय की सीमा के कारण हमें ये कहना पड़ा कि जरा शॉर्ट में बातचीत हो जाए, ये आत्मविश्वास बोल रहा है, आप नहीं बोल रहे। दूसरी एक बात और ज्योतिबा फुले जी ने कही, उन्होंने कहा सत्य को जानने वाला समाज ही उन्नति कर सकता है, और इसलिए हमें सत्य शोधक समाज की आवश्यकता है। अति भेदभाव बना आपको दिखा रहे हैं भोपाल से, जहां पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, उन्होंने कहा सच्ची शिक्षा दूसरों को सशक्त बना। तो आपको बता रहे थे जिस तरीके से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बहनों से संवाद कर रहे थे, पीछे जो हमने पाया, और उन्होंने कहा हर दिन नए विचार आते हैं, लेकिन असली संघर्ष विचारों को साकार करना है। जैसे आपके दिमाग में विचार आया, बेलवाल यहां बैठे हैं, आपके साथ काफी काम किया, विचार आया कि आजीव का समूह बनाना है, और अगर आप सोच के पीछे हट जाते तो विचार क्रियान्वित नहीं होता, लेकिन आपके मन में विचार आया और आपने क्रियान्वित करके दिखा दिया, तो आज मेरी बहनें लखपति बन गई और यहां बैठ के बाकी बहनों को लखपति बनाने का काम कर रही। ऐसे ज्योतिबा फुले, उनको महात्मा
की उपाधि दी गई थी समाज सुधार के कामों। ज्योतिबा फुले के चरणों में प्रणाम करता हूं, आज उनकी जयंती है, हम सब उनको नमन करते हैं। मेरी लाडली बहनों, हमने पहले सोचा तक नहीं था, आज वो साकार हो रहा है। बहनों की जिंदगी बेहतर बनाना यह हमारी जिंदगी का लक्ष्य है। आज मैं विस्तार में नहीं जाऊंगा क्योंकि मैंने तो गांव में देखा, आपने बचपन में बेटा और बेटी में भेद होते हुए, बेटा पैदा हो गया तो ढोल बजाओ, बधाई गाओ, नगाड़े लाओ, पटाखे फोड़ो, मिठाई बांटो, भैया आया है। और बेटी पैदा हो गई तो मैयाई का चेहरा उतर जाता था, हे भगवान का किया फता गई, बेटी पैदा हो गई, ये भाव होता था। सास अग्निमुखी हो जाती थी, अरे बेटी पैदा कर दी। और मैंने तो ये भी सुना उस जमाने में गांव में कि अगर दूसरी तीसरी बेटी होगी बोले दूसरी शादी करो रे, जब केवल बेटी को जन्म दे रही, बेटा हो ही नहीं रहा पैदा। ये भाव होता था बेटी के बारे में। और हमने वो दिन भी देखे जब घर में बात बात में डांट खाना, और थोड़ा बहुत पतिदेव से बात हो गई और उनको गुस्सा आई तो कभी थप्पड़ मार दिया। और मैंने तो लठी चलाते भी देखा, लठिया उठाई और पत्नी को जड़ दी। ये दुर्दशा हमारी बहनों की हुई है कई बार, और ये दुर्दशा देख के मन दर्द से भरता था, पीड़ा से भरता था, और मन में कड़प पैदा होती थी कि कैसे इस परिस्थिति को बदलने का काम किया जाए। और इसलिए मेरी लाडली बहनों, लाडली लक्ष्मी योजना भी हमने बनाई, आज लगभग 44,50,000 लाडली लक्ष्मी बेटियां मध्य प्रदेश की धरती पे है, जो मां की गोद से लेके और कॉलेज तक में पढ़ रही है। बेटी का विवाह बोझ ना बन जाए इसलिए मुख्यमंत्री कन्यादान योजना बनाई, जिसमें सरकार शादियां करती है, दूसरी सरकार आ गई थी उसने बंद कर दी थी, अब फिर से चालू कर दी। योजना ऐसी भी बनाई कि बेटी अगर बेटा बेटी को जन्म देगी मेरी बहना तो जन्म के पहले 4,000 और जन्म के बाद 12,000 रुपया उसको दिए जाएंगे, ताकि उसकी और उसके बच्चे की सेहत ठीक रहे। हमने यह भी तय किया कि आधी सीटों पर चुनाव में जब लोकल चुनाव होंगे, जिला पंचायत से लेकर सरपंच तक और पार्षद से लेकर मेयर तक, तो आधी सीटों पे केवल मेरी बहनें खड़ी होगी, भैया खड़े नहीं होंगे। जरा ईमानदारी से बताना, अगर बहनों के लिए इतनी सीटें रिजर्व नहीं रखते तो बहनें चुनाव लड़ पाती क्या? साहब कहते चल घर रोटी बना, चुनाव तो साहब लड़ेंगे, 50 आदमी आ रहे हैं, और बहनें रोटी बनाती रहती। लेकिन चूल्हे चौके से निकाल के आज मेरी बहनें नेतृत्व कर रही है, नेता बन गई है। और आजीविका मिशन की 17,000 बहनें चुनाव जीत गई, 17,000। जिला पंचायत की अध्यक्ष भी एक बनी, एक का तो मुझे पता श्योपुर में, जिला पंचायत के अध्यक्ष आजीविका मिशन की बहन, हमारी कई बहनें सरपंच बन गई, जिला पंचायत की जनपद की सदस्य बन गई, अलग अलग पदों पर पहुंच गई। और कई काम ऐसे हमने सोचे, एक काम और किया वो भी आपको बताऊं मैं, कि प्रॉपर्टी कौन के नाम खरीदते? अगर साहब को खेत खरीदना हो, मकान खरीदना हो, तो खुद के नाम खरीदते थे, राम सिंह। अब मैंने कहा यार कोई तरकीब जुगाड़ो जिससे बहनों के नाम भी तो खेत मकान दुकान हो जाए। तो हमने तय किया कि अगर कोई बहन के नाम से मकान प्लाट संपत्ति खेत खरीदेगा तो उसको स्टाम्प शुल्क केवल 1% देना पड़ेगा, आदमी के नाम खरीदेंगे तो ज्यादा देना पड़ेगा, और बहन के नाम खरीदेंगे देंगे तो कम देना पड़ेगा। अब जब पैसे की बात आई तो भैया लोगों ने कहा कि मेरे नाम ही तेरे नाम खरीद ले, जरा पैसा बच जाएंगे स्टाम्प शुल्क के। तो कई बहनों के नाम ऑटोमेटिक जमीन हो गई, मकान हो गए, दुकान हो गई। और 2012 में हमने आजीविका मिशन शुरू किया, और 2012 से आज 2023 में जो बीज बोए तो आजीविका मिशन काय के लिए, इसलिए कि बहनें सब कुछ कर सकती है। नारी तू नारायणी, तू कुछ भी कर सकती है, दीनहीन नहीं है, अबला नहीं है। वो जमाने चले गए जब कहा जाता था नारी तुम केवल अबला हो,
कि आंचल में है दूध और आंखों में पानी। अब ये स्थिति बदल गई, अब बहनें हमारी दुर्गा लक्ष्मी सरस्वती बन गई अपने पांव पर खड़ा होने के लिए, आत्मविश्वास से भरने के लिए। और पैसे जरूरी है, पैसे के बिना दुनिया नहीं चल रही। चल सकती है क्या बताओ? अरे जोर से बोलो ना, पैसा तो चाहिए, और पैसा आएगा तो इज्जत बढ़ेगी। आप बताओ, पैसा नहीं होता तो गांव में चल जाते कायरे लखुआ, और पैसा आ गए तो आइए सेठ लक्ष्मीचंद जी, तुरंत नजर बदल जाती। तो हमें लगा कि बहनें अगर सशक्त बनेगी और उनके हाथ में पैसा ढेला होंगे, उनका काम धंधा चलेगा, तो उनके दुख दर्द मिट जाएंगे, वो आत्मविश्वास से भरेंगी और उनकी इज्जत भी बढ़ जाएगी। बोलो सही बात है कि नहीं? अरे सही है कि नहीं? और आज जो बहनें लखपति बन गई, जरा लखपति क्लब में कौन कौन हाथ उठाओ। अरे बहुत सी बहनें लखपति क्लब में, बताओ आप बताओ, लखपति क्लब में शामिल होने के बाद इज्जत बढ़ी कि नहीं बढ़ी? पहले शुरू शुरू में गांव वाले कहते होंगे, अरे बड़ी निकली है आजीव कमीशन में जाने वाली, और आज कहते हैं, अरे यार देखो इसने तो टू व्हीलर खरीद लिया, गाड़ी खरीद ली, देखने की नजर बदल गई। और पतिदेव भी अब भाव बदल गया, पहले क्या सोचे थे मुझे पता नहीं, लेकिन आज इज्जत से नाम लेते हैं इज्जत से, क्योंकि पत्नी भी बराबरी की भागीदार बन गई परिवार चलाने में। और कई तो ऐसी है कि जिनने लखपति क्लब में शामिल होने के बाद अपने पति को काम धंधा शुरू करवा दिया, ले जाओ तुम भी काम करो। बोलो सही है कि नहीं? एक तो एक तरह से सामाजिक स्थिति बदल गई, सामाजिक स्थिति बदल गई। ये नई सामाजिक क्रांति है, नई सामाजिक क्रांति, और इसके लिए मैं अपनी बहनों को बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। लेकिन अभी और आगे बढ़ते जाना है। अभी हमने तय किया, पिछले दिनों फैसला किया कि बहनों को बैंक लिंकेज दिलवाते हैं काम धंधे के लिए, और ज्यादा पैसा उनके ना लग जाए, ब्याज ज्यादा ना देना पड़े। इसलिए मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य सहायता समूह की बहनों को अब केवल लोन पे 2% ब्याज देना होगा, बाकी ब्याज भैया भरवाएगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार भरवाएगी, ताकि पैसा ज्यादा ब्याज चुकाने में ना चला जाए और हमारी आमदनी बढ़ जाए और हम नित नए काम प्रारंभ कर सकें। कितने तरह के काम कर रही है, फैक्ट्रियां चला रही है अलग अलग जगह। बताओ, पोषण आहार की फैक्ट्री है मेरी बहनें चला रही, साथ साथ प्लांट चला रही है। आपने बताया मेरी बहनों ने कितने तरह के काम कर रही, अलग अलग तरह के कामों का विस्तार करो। और बहनें जो नहीं जोड़ी उनको भी जोड़ो स्वास्थ्य सहायता समूह में। अभी 51 लाख बहनें लगभग हो गई है, लेकिन जब तक हर गरीब बहना नहीं जुड़ जाती, हम चैन से नहीं बैठेंगे, किसी भी बहन की आंखों में आंसू नहीं रहने देंगे, यह हमारा संकल्प है। और इसलिए मेरी बहनों, मैं आपसे बहुत लाड़ करता हूं, क्योंकि आप सामाजिक परिवर्तन कर रही हैं, सामाजिक परिवर्तन। और जब मन में हमेशा रहता है कि अपनी बहनों से मिलूं, उनसे चर्चा करूं, बातचीत करूं, अलग अलग जगह जाता हूं तो वहां भी मिलता हूं, सरकारी कार्यक्रम होते तो भी आजीव कमीशन के स्टॉल पर जाता हूं, कई बार वह बहनें इतना खिला देती हैं कि निकलना मुश्किल हो जाता है। आपका स्नेह, प्यार, लाड़, और अब तो आगे लाडली बहना योजना, ये योजना भी बहनों की जिंदगी बदल के रख देगी। लाडली बहना, मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना, भाई सबको पता है नहीं मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के बारे में? कैसी योजना है, जोर से बताओ कैसी है? बहनें सब खुश है? आप में से सबने आवेदन भर दिए? कौन कौन ने भरे बताओ? अच्छा, दूसरों के भी भरवा रहे हो तो दूसरों की बहनों को भी भरवाओ। अच्छा, तो पैसा वैसा तो नहीं ले रहा कोई? पैसा ले तो 181 पे फोन कर देना, सीधे जेल भिजवाएंगे अपन, जेल छोड़ेंगे नहीं। आज तो ये तो मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना क्रांति की एक नई धारा है, जो बहनों को आत्मविश्वास से भरने का काम करेगी। और इसलिए उस योजना को भी सफल बनाने में आप अपना योगदान दे रही है, मैं इसके लिए भी आपको बधाई देता हूं। और एक ही बात मेरी बहनों आपसे कहना चाहता हूं, स्वामी विवेकानंद ने कहा था,
तुम ईश्वर की अंश हो, अमृत की पुत्र हो, अनंत शक्तियों की भंडार हो, अमर आनंद की भागी हो। दुनिया में कोई काम ऐसा नहीं कि जो तुम ना कर सको। अपने आप को आत्मविश्वास से भर के रखना, आत्मविश्वास, मैं सब कुछ कर सकती हूं, सब कुछ कर सकती हूं, ये भाव आपके मन में अंदर तक रच बस जाए, जो जैसा सोचता और करता है वैसा ही बन जाता है। अगर हम सोचेंगे मैं क्या कर सकती हूं, मैं तो दीन हूं, गरीब हूं, दुखी हूं, तो मुंह की मक्खी भी उड़ाने दूसरे को आना पड़ेगा कि कुछ नहीं कर सकते। और आप अगर सोचो कि नहीं, दुनिया में कौन सा काम है जो मैं नहीं कर सकती, ये आत्मविश्वास से भर गई तो तुम तो मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री भी बन सकती हो, फिर कोई कसर नहीं है तुम, हर बहन कर सकती है। और इसलिए आत्मविश्वास से भर के, और एक बात और, केवल अपनी आजीविका की चिंता नहीं करना, हमको संगठित रहना है, संगठन में ही ताकत है। तो गांव में भी संगठित रहो, संकुल में भी संगठित रहो, और कहीं गलत हरकत हो किसी बहन बेटी के साथ तो सहन मत करो। एक फैसला और सरकार ने हमने किया है कि शराब की दुकानों के पास जितने पीने के दारू के अहाते थे सब बंद कर दिए हैं, सारे अहाते बंद कर दिए, नशा मुक्ति का आंदोलन भी चले, कोई छेड़छाड़ गुंडागर्दी हो तो उसके खिलाफ भी आवाज उठाए, अगर महिला उत्पीड़न होता तो उसके खिलाफ भी आवाज उठाए, हर गलत बात के खिलाफ आवाज उठे, एक नई ताकत बहनों की खड़ी हो जाए मध्य प्रदेश की धरती पर, एक नई शक्ति, एक नई ताकत, ताकि कोई बहन की आंखों में हम आंसू ना रहने जाए। और हम अगर संगठित रहेंगे तो बड़े से बड़ा काम कर सकते हैं। चिंता काय को करते हो, भैया तुम्हारे साथ खड़ा है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार तुम्हारे साथ खड़ी है, आओ हम सब मिलके एक हो जाएं। और मैं बुलाया मैंने इसीलिए, मैं बाकी बहनों से भी मिलूंगा, अभी कुछ 19 जिलों के संकुल आए, ये आत्मविश्वास भरने की चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूं, हम मिलकर काम करेंगे और मिलकर अपनी जिंदगी भी बदलेंगे और बाकी जिंदगी भी बदलेंगे। बेटी और बहन को निर्बल नहीं रहने देंगे, समाज सुधार के काम भी करेंगे। इसका मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि कोई लड़ाई झगड़ा करना है, लेकिन सही चीजों के लिए आगे बढ़ते जाना है, अपने परिवार की स्थिति बेहतर बनाना है, और परिवार ठीक से चले इसकी चिंता करना है, बच्चे ढंग से पढ़े इसकी चिंता करना है, समाज में बुराइयां खत्म हो जाए इसकी चिंता करना है। और अब ये बढ़िया संगठन बन रहा है, अभी हर जिले में हमने लाडली बहना सेना बनाने का भी फैसला किया है, तो बहनों की एक टीम रहे जो जरूरत पड़ने पर मैदान पे आए कि गलत बात के हम खिलाफ हैं, और हर अच्छे काम को वो सपोर्ट करे, समर्थन करे। तो हम सब मिलकर ऐसा संगठन बनाएंगे, मेरी सब लाडली बहनों का, आजीविका मिशन की बहनों का मैं फिर एक बार हृदय से स्वागत करता हूं, और आइए हम संकल्प लें कि हम साथ चलेंगे, हम मिलकर चलेंगे, आजीविका मिशन और बेहतर बनाएंगे, जो बहनें नहीं जुड़ी उनको भी मिशन में जोड़ेंगे, और खुद भी गरीब नहीं रहेंगे, लखपति क्लब में शामिल होंगे। काय को पैदल घूमे, दो पहिया वाहन होना चाहिए, कल चार पहिया वाहन भी हमारे पास होना चाहिए, हम भी अपनी मेहनत से कमाई हुई पसीने की कमाई से जो जरूरी चीजें हैं वो हम खरीदेंगे और गरीब नहीं रहेंगे। याद रखो, गरीबी अभिशाप है, गरीबी पाप है, हम तय करें हम गरीब नहीं रहेंगे, हम समृद्ध बनेंगे, उसके लिए काम धंधा मेहनत करेंगे, आजीविका मिशन के बैनर तले और मिलके आगे बढ़ेंगे। सब तैयार है ना, तो भैया भी तुम्हारे साथ है, भैया और बहन एक हो जाएं तो आगे बढ़ने से कौन रोक सकता है, हमको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। मेरी सभी बहनों को अनंत शुभकामनाएं, हार्दिक शुभकामनाएं। यहां हमारे मंत्री द्वय भी बैठे हैं, दोनों अफसर बैठे हैं, और मेरे और आपके बीच भी दूरी एक फोन की है। अगर कहीं से सूचना मिली कि बहनों ने भाई को याद किया है किसी काम के लिए,
तो आपका फोन आएगा तो मैं भी कॉल बैक करूंगा और आपके साथ खड़ा हो जाऊंगा। एक नया जमाना लेके आना है, नया जमाना, जहां मां बहन बेटी भी सुखी हो, गरीब परिवार भी समृद्ध बने, छोटी छोटी जरूरतों के लिए हाथ ना फैलाना पड़े। ऐसा समाज बनाने में मुझे बहनों का साथ चाहिए और आपका साथ मिलेगा तभी काम आगे बढ़ेगा। हम साथ चलेंगे, भैया बहन साथ चलेंगे और हम बीजेपी की सरकार के साथ चलते हुए अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने का काम करेंगे। ये संकल्प हम सब बहने लेंगे। बोलो तैयार है सब? सब तैयार है तो दोनों हाथ ऊपर उठा के, दोनों मुट्ठी बांध के भारत माता की जय बोल के संकल्प ले। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। अब देर बहुत हो गई, बहनें भूखी होगी तो भोजन की व्यवस्था है, सब अच्छे से भोजन करके जाएंगे और जल्दी फिर हम मिलेंगे। नमस्कार। मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से एक मिनट का समय मांगा है। हम सभी लोग जो आजीविका परिवार है सर, आपके बहुत ही ऋणी हैं, क्योंकि कोई ऐसा कार्यक्रम नहीं होता है विभाग, किसी भी विभाग का हो, जिसमें आजीविका मिशन और आजीविका मिशन की बहनों का नाम माननीय मुख्यमंत्री जी नहीं लेते होंगे। कोई किसी भी गांव में किसी जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, तो ऐसा नहीं होता कि आजीविका मिशन की हमारी बहनों से नहीं मिलते हैं। तो इसके लिए सर पूरा आजीविका मिशन आपका ऋणी है। लेकिन मैं एक जानकारी शेयर करना चाहूंगा कि हमारे गांवों में समृद्धि आ रही है, इसका जो सबसे बड़ा इंडिकेटर मैंने कलेक्ट किया है, ये पूरा नहीं है अभी, जो हमारी बहनों ने अभी तक वाहन खरीदे हैं सब मिला के करीब 16,813 इन्होंने चार पहिया वाहन खरीदे हैं, 2,58,000 इन्होंने टू व्हीलर खरीदे हैं, 2,58,000, 92,000 बहनें ऐसी हैं जिन्होंने या तो जमीन खरीदी है या उन्होंने अपने लिए मकान बनाया है, 92,000, 5,44,815 बहनें ऐसी हैं जिन्होंने टीवी खरीदे हैं, जो पहले दूसरों के घर में टीवी देखती थी, यहां तक कि ठंडा पानी पीने के लिए 1,48,826 बहनों ने फ्रीज भी खरीद लिए हैं, और हमारी बहनें अब वॉशिंग मशीन भी खरीदने लगी हैं, 29,931 बहनों ने वॉशिंग मशीन भी खरीदे हैं। सर आपने बोला था कि मध्य प्रदेश के जो बाकी लोग बचे हैं, जो हमारी बहनें वंचित बची हुई हैं, करीब 14,00,000 हैं, उनको हम इस वर्ष हर हालत में उनको जोड़ देंगे। और अब हम अपने बहनों को एक विजनिंग एक्सरसाइज भी कराते हैं, जिसमें उनको बोलते हैं कि अपने आप को आप 5 साल बाद कहां देखना चाहती हैं, अपने समूह को कहां देखना चाहती हैं, अपने गांव को कहां देखना चाहती हैं और अपने प्रदेश को कहां देखना चाहती हैं, और इस पर लगातार हम प्रशिक्षण देते हैं और इतने अच्छे जो भी आइडियाज उनके आते हैं, जो वो देखना चाहती हैं उसमें थोड़ा सा आगे पीछे करके हम उस काम को करने की पूरा प्रयास करते हैं। सर बहुत बहुत धन्यवाद सर, माननीय मंत्री जी का, माननीय राज्य मंत्री जी का, हमारे ACS महोदय का और सभी दीदियों का एक बार बहुत बहुत धन्यवाद है। माननीय मुख्यमंत्री जी सभी हमारे 51,00,000 दीदियों से तो मिल नहीं पाते, इसलिए उनके प्रतिनिधियों को यहां पर बुला के आप लोगों से बात की, उन्होंने जो आशीर्वाद दिया है ये आशीर्वाद आप अपने CLF में और जाके अपने VO ग्राम संगठन में भी जाके बात करेंगी और जो सीख के यहां से जा रही हैं वो वहां पर बताएंगी। और माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से अब भोजन की व्यवस्था की गई, आप लोग भोजन के लिए जाइए। बहुत सभी बहनों को मेरा एक और कहना है कि अभी मैं अलग अलग जिले में जा रहा हूं, लाडली बहना सम्मेलन कर रहे हैं, आपके जिले की तारीख भी आपको पता हो जाएगी, तो उन सम्मेलन में बाकी बहनों को भी जो आजीविका मिशन की है और जो नहीं है उनको भी प्रेरित करना, एक नए उत्साह और आत्मविश्वास से भरना है, तो उसमें भी सक्रिय रहते सब बहनें आए भी और बाकी बहनों को लाए भी, ताकि नारी शक्ति की ताकत का प्रदर्शन हो सके और जमाना देख सके कि हमारी बेटियां और बहनें किसी से कम नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी से एक सेकंड अनुरोध है, देवास जिले की स्वसहायता समूह से जुड़ी बहनें अभिनंदन पत्र भैया आपके लिए फ्रेम करा के लाई है, लाडली बहना के लिए आपने जो योजना इनके लिए स्नेह स्वरूप क्रियान्वित की है, दीदियों की ओर से ये सप्रेम भेंट उनके स्नेह एवं आपके प्रति उनके सम्मान के प्रतीक के रूप में देवास जिले की स्वसहायता समूह से जुड़ी बहनें लाडली बहना योजना उनके हित में लागू किए जाने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी को अभिनंदन पत्र प्रेषित करते हुए बाकी दीदियां थम जाएं। सुमन
रोकिए, रोक लीजिए अब। जोरदार तालियों से दीदियों का अभिनंदन। दीदियां कृपया अपना स्थान ग्रहण करेंगी। सुमन, दुर्गा दीदी कृपया स्थान ग्रहण करें। माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिवादन करिए, बाकी दीदियां वहीं थम जाए अशोकनगर। मिशन कर्मियों से अनुरोध है, इसके बाद किसी जिले की कोई भी दीदी मंच पर नहीं आएंगी, कृपया वहीं थामे। अशोकनगर की दीदियों से अब सादर अनुरोध है, कृपया अपना स्थान इस फोटोग्राफ के बाद ग्रहण करें। जिला अशोकनगर टीम, तो सीधी तस्वीर आपको दिखा रहे थे भोपाल से। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जो है वो आज भोपाल में, और आपको बता दें कि सीधे उन्होंने लाडली बहनों से संवाद किया। यहाँ पे एक बार फिर आपको बता दें, स्व सहायता समूह की संकुल संगठन में ये संवाद जो है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अपनी बहनों से कर रहे थे। उन्होंने लाडली बहना योजना से क्या कुछ लाभ हो रहे हैं, क्या कुछ इसकी प्रक्रिया है, आगे क्या कुछ इससे जुड़ी योजनाएं जो है सरकार द्वारा बनाई जाएंगी, इसको लेकर के सीधे बहनों से संवाद किया। तो आपको बता दें, तस्वीरें हैं जो आप देख सकते थे, जहां पे लाडली बहने जो थी स्व सहायता समूह की जो बहने थी जो ये लाभ ले रही है लाडली बहना योजना के तहत, जिन्हें प्रति माह 1,000 रुपए जो है वो इस योजना के तहत दिए जा रहे हैं, उन्होंने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का धन्यवाद किया। उन्हें अपने द्वारा बनाए गए कुछ भेंट जो है वो उन्होंने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को सीधे दिए हैं। तस्वीरें एक बार फिर आपको दिखा रहे हैं जो आप देख सकते हैं, सीधी तस्वीर भोपाल से, जहां पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बहनों से मुलाकात की, उनसे बातचीत की, और बहनों से उन्होंने सीधे ये जाना है कि उन्हें क्या कुछ फायदा जो है इससे योजना के तहत मिल रहा है, और उन्होंने साथ ही कई सारी घोषणाएं भी जो है यहाँ पर की। उन्होंने कई सारी योजनाएं बताई जो लाडली बहना योजना के सफल होने के बाद जो है लाई जाएंगी, और उससे बेटियों को बहनों को क्या कुछ लाभ मिलेगा मध्य प्रदेश की, इस तमाम बातों को उन्होंने सीधे बहनों के साथ जिक्र किया और बातचीत की। और बता दें, इससे पहले भी कई योजनाएं जो हैं वो लाई गई थी बेटियों के लिए और बहनों के लिए, उसका जिक्र भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान यहाँ पर करते हुए नजर आए। तो तस्वीरें हैं, सीधी तस्वीरें हैं ये भोपाल से जो आप देख सकते थे, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जो है उन्होंने सीधे संवाद किया लाडली बहनों से, और इसी के साथ ही उन्होंने जितनी भी असुविधाएं या फिर सुविधाएं जो है वो इस प्रक्रिया के तहत, फॉर्म भरने की प्रक्रिया के तहत हो रही है, उनका भी जिक्र यहाँ पर उन्होंने किया, और पूरी तरीके से वो बहनों को आश्वस्त करते नजर आए कि किसी प्रकार की दिक्कत या फिर समस्या उन्हें नहीं होगी। पूरी प्रक्रिया जो है वो ऐसी प्रक्रिया अपनाई जाएगी जिससे उनकी बहनों को किसी प्रकार की दिक्कत का सामना जो है वो ना करना पड़े। तस्वीर एक बार फिर आपको हम दिखा रहे हैं भोपाल से, जहां पर उन्होंने लाडली बहनों से सीधे संवाद किया है और इस योजना से क्या कुछ लाभ हो रहा है इसकी जानकारी दी है, और बताया है कि क्या कुछ लाभ जो है आगे भी इस योजना के तहत बहनों को दिया जाएगा। एक बार फिर आपको बता दें कि मुख्यमंत्री की लाडली बहना योजना जो है उसका फॉर्म भरने की प्रक्रिया जो है वो शुरू हो चुकी है। कई जिले हैं जहां पर प्रक्रियाएं अभी भी चल रही हैं, और जो तिथि निर्धारित की गई थी उस तिथि के तहत जो है प्रक्रियाएं पूरी की जा रही हैं, जहां पे हर महीने लाडली बहनों को 1,000 रुपए दिए जाएंगे।